काले कपड़े से मुंह को छिपाए हुए ये हैं भोंदू बाबा, जो दावा करता था कि वो बिगड़े काम ठीक कर देगा। मगर ये शातिर एक बलात्कारी बाबा है, जिसने एक लड़की की इज्जत को लूट कर अपना हुलिया बदला और फिर पुलिस को लगातार चकमा देता रहा। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती से एक रेप का मामला सामने आया, जहां मार्डी आश्रम स्थित गुरदास भोंदू बाबा पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया और थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि भोंदू बलात्कारी गुरदास बाबा उर्फ सुनील कावलकर ने उसके बिगड़े काम ठीक होने का झांसा देकर उसका रेप किया है। पीड़िता के बिगड़े काम अच्छे कर देने का झांसा देकर ये बाबा उसका बलात्कार लगातार करता रहा। कुरहा पुलिस थाने शिकायत दर्ज होते ही ये आरोपी बाबा फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसका अश्लील वीडियो भी इस बाबा ने बनाया और किसी को कुछ भी कहने पर जान से मारने की इस बाबा ने धमकी भी दी थी। पुलिस ने अब अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, मगर काफी कोशिश के बाद भी इस बलात्कारी बाबा का कुछ पता नहीं चल सका। फिर इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों को अपने एक्टिवेट किया और आखिर में पुलिस इस तक पहुंच गई। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबा अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी और बाल कटवाकर सामान्य तरीके से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में घूम घूम कर खुद को बचा रहा था। पुलिस ने इस बलात्कारी बाबा को मध्य प्रदेश के भोपाल से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। या घटनामध्ये जी पीडित महिला आहे ते जबलपूरची होती, त्याने आमच्या कुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये 25 जानेवारी 2024 तक्रार दिली। यामध्ये त्याने सांगितले की जे बाबा होता त्याने महिलाची फसवणूक करून यांच्याशी वारंवार शारीरिक संबंध केले आणि यांची जे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आहे ते पण बाबाद्वारा करण्यात आली होती। हे जे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग ज्यावेळेस जब पीड़ित महिला त्याने बघितली तर यांना पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली होती। तर हे गुन्हा दाखल झाल्यापासून जे बाबा जो होता तो फरार होता आणि याच्या पाठीमागे पोलीस आणि आमचे स्थानिक गुन्हे शाखा याची दोन टीम कंटिन्यू याच्या पाठलाग करत होती। हे बाबा जे आहे ते वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये UP मध्ये वेस्ट बेंगॉलमध्ये ते फिरत होता आणि याने आपली जे ओळख आहे न पटण्यासाठी जे स्वतःचे केस आणि दाढी आहे ते पण कापलेली होती आणि आम्हाला गुप्त जे सूत्राद्वारा जे माहिती भेटली तर आम्ही यांना जे आहे भोपालवरून अटक करण्यात आली आहे। रोजी अटक करून जे आहे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलेली आहे। संदर्भात पोलीस अधीक्षक सरांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि गहराई से इस मामले की अब जांच की जा रही है और जांच के हिसाब से ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।